बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री, सभी जगह सितारों और उनके फैंस के बीच रिश्ता काफी गहरा होता है। सितारे भी अपनी सफलता के पीछे अक्सर अपने फैंस को क्रेडिट देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई फैन किसी सितारे के जीवन का एक खास हिस्सा बन जाता है, और ऐसा कई बार देखा गया है कि एक आम फैन एक मशहूर फिल्म सितारे के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया जब उन सितारों ने अपने ही फैन से शादी कर ली। जी हाँ, ये सच है। हमारी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें अपना जीवन साथी अपने फैंस में मिला और उन्होंने उनसे शादी कर ली। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने फैंस से शादी की है। फिर आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर वन, आसिन। सलमान खान की हीरोइन आसिन का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। अपने छोटे से करियर में इन्होंने लाखों लोगों को अपना फैन बनाया और उन्हीं फैन में से एक है बिजनेसमैन राहुल शर्मा, जो आज इनके हस्बैंड हैं। वो इनके इतने बड़े फैन हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके प्लेन में ये सफर करने वाली हैं, तो वो काफी एक्साइटेड हो गए थे और प्लेन में आते ही उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कह डाली। उनकी आंखों में इन्हें अपने लिए सच्ची मोहब्बत दिखी, इसलिए इन्होंने उनका प्रपोजल स्वीकार कर कुछ ही महीनों बाद 19 जनवरी 2016 को उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए। नंबर टू, महेश बाबू। महेश बाबू की वाइफ है नम्रता सिरोडकर, जो इनकी फैन थी और उनसे इन्होंने साल 2005 में शादी की। हालांकि उस समय दोनों ही सुपरस्टार एक एक्टर थे, पर नम्रता तो इनकी फैन हो गई। इनकी एक्टिंग की, इनके स्टाइल की, इनके चार्मिंग फेस की और मन ही मन इन्हें चाहने लगी। वही जब उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला तो इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने अपना हाल ये दिल बयां कर दिया। फिर क्या था, महेश बाबू को भी नम्रता काफी पसंद थी, इसीलिए इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स देख प्रपोजल स्वीकार कर लिया और अगले साल 2005 में शादी कर ली। वहीं शादी के 15 साल के बाद भी दोनों साथ हैं और अब इस सफर में दोनों का साथ देने के लिए दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। नंबर थ्री, यश। रॉकी भाई नाम से मशहूर अभिनेता यश की लड़कियों के बीच काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो इनसे शादी करना चाहती हैं, पर उनमें से इन्होंने अपनी फैन राधिका पंडित से शादी करके उनका सपना सच किया, जो इनकी इतनी बड़ी फैन थी कि इन्हें पाने के लिए इन्होंने भरी मीडिया में प्रपोज कर दिया। अपनी फैन राधिका के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर इन्हें लगा कि इन्हें उनसे अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं। फिर क्या था, उसी भरी मीडिया में इन्होंने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर फोर, काजोल। जी हाँ, अजय देवगन काजोल के बड़े फैन थे और अपने उसी फैन से इन्होंने शादी की है। हालांकि पहली मुलाकात में इन्हें अजय पसंद नहीं आए, पर हलचल फिल्म के सेट पर उन्होंने एक फैन के नाते अपने फेवरेट स्टार को बहुत सारे गिफ्ट दिए। उन्हें हंसाया तो उनके दिल में अपने लिए इतनी केयर और प्यार देख उनसे साल 1999 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस तरह इन्होंने भी अपने फैन से शादी कर ली। नंबर फाइव, सामंथा प्रभु। साउथ की खूबसूरत अदाकारा सामंथा रुद्रप्रभु ने अपने जिस फैन से शादी की है उनका नाम है नागा चैतन्य। जी हाँ, चिरंजीवी के बेटे नागा चैतन्य भी जो इनकी हर एक फिल्म देखकर इनके फैन बन बैठे और सिर्फ फैन ही नहीं बल्कि इनसे इतना प्यार करने लगे। वही जब ये माया चसावी फिल्म में इनके साथ अभिनय करने का मौका मिला तो इन्होंने उनसे अपना हाल दिल बयां किया और बताया कि वो इनके कितने बड़े फैन हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। वही फिल्म में साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर गया था, इन्होंने अपने फैन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया और साल 2017 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर सिक्स, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिनसे आज भी इनकी फीमेल फैंस शादी करने के लिए तैयार हैं, पर ये तो पहले ही अपने एक फैन से शादी कर चुके हैं जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना, जिनसे इन्होंने साल 2001 में शादी की थी। आज भी उनके साथ ये खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बता दें, आज बेशक ये ट्विंकल खन्ना के इशारों पर नाचते हों, पर एक समय पर इनकी फैन ट्विंकल ने इन्हें पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, अपने फ्रेंड से इनका ब्रेकअप करवा दिया था। नंबर सेवन, रामचरण। रामचरण ने भी अपने फैन से शादी की और इनकी फैन का नाम है उपासना कामिनेनी, जो कि एक बिजनेस वुमन है और इनकी काफी अच्छी दोस्त है, पर साथ ही इनकी बहुत बड़ी फैन है। इनके स्टाइलिश फाइट से लेकर इनके हेयर स्टाइल सबकी बड़ी दीवानी है और उनकी ऐसी दीवानगी के चलते उन्होंने इन्हें पाने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, जहां पर बहुत सारी मीडिया थी। उन सब के सामने इन्होंने इन्हें प्रपोज कर दिया। उनके ऐसा करने से ये शर्माए तो बहुत, पर इन्होंने इनका हाथ थाम लिया और कर दिया शादी के लिए हाँ। इस तरह से इन्होंने अपने फैन से 2012 में शादी कर ली थी। तो दोस्तों, आप किस स्टार के फैन हैं, किस से आप शादी करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।